गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने साथ शेयर करूंगी नेचुरल चॉकलेट फेशियल एट होम। कोई भी आपको महंगे चॉकलेट फेशियल किट की ज़रूरत नहीं होगा, आपको पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं होगा चॉकलेट फेशियल करने के लिए। सब कुछ सामान इजीली आपको किचन में से ही मिल जाएंगे, सिवा वो चॉकलेट बिना, क्योंकि वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो ये फेशियल क्या करेगा, अगर आप सालों से आपकी स्किन में कुछ अप्लाई नहीं किया है, डिहाइड्रेट डल ड्राई हो गया है आपकी स्किन, तो आपकी स्किन को इंस्टेंटली, मतलब कितना इंस्टेंटली वो मेरी वीडियो पे आपको पता चल जाएगा, इंस्टेंटली आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देगा, स्किन को स्मूथ बिल्कुल मक्खन की तरह करेगा, वैक्स की तरह कर देगा, इतना स्मूथ करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप भी करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं मेरे बालों को अच्छे से सिक्योर कर लिया है हेयर बैंड के हेल्प से, ताकि फेशियल करते टाइम बाल बार बार फेस पे परेशान ना करें। इसके बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके मैंने अच्छे से मसाज किया है फेस पे। आपको अपवर्ड मोशन में मसाज करना है, इससे क्या होगा आपकी फेस में जो भी डर्ट इम्प्यूरिटीज़ है, गंध है, मेकअप है, सब कुछ अच्छे से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि क्लेंजिंग फेशियल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपकी फेशियल की जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से होता है और आपको आपकी फेस के साथ साथ नेक को भी अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि हम वहाँ पे भी फेशियल के स्टेप्स करेंगे। इसके बाद मैं फेस वॉश की हेल्प से अच्छे से फेस को क्लीन कर लूँगी, ताकि जो मेकअप ऑयल का रेसिड्यू है वो अच्छे से क्लीन हो जाए हमारे फेस और नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर हो जाए अच्छे से। तो पहले मैं अच्छे से स्टीम ले लूँगी और इसके लिए मैं एक बॉल में थोड़ा सा वार्म वाटर ले लिया है, उसके अंदर एक क्लीन सा टॉवल डिप करके उसको अच्छे से निचोड़ के फेस पर रखूँगी 2 मिनट्स के लिए। और आपको इस प्रोसेस ऐसे ही 3 बार रिपीट करना है। स्टीम लेने से आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाता है, स्किन के अंदर जो भी सारे डर्ट इम्प्यूरिटीज सीबम टॉक्सिन डेड स्किन सेल्स होते हैं ना, वो निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्टीमिंग प्रोसेस है। और उसके बाद जब आप स्क्रब करोगे वो अच्छे से अंदर से रिमूव हो जाता है, आपकी स्किन क्लीन हो जाते हैं और स्टीम लेने से आपकी स्किन ब्राइट और ग्लोइंग भी दिखते हैं, क्योंकि आपकी स्किन से टॉक्सिन रिमूव हो जाते हैं। सो स्टेप 2 पे मैं बनाऊंगी स्क्रब। तो उसके लिए ले लूँगी एक क्लीन बॉल में 1.5 टीस्पून ऑफ क्रश्ड डार्क चॉकलेट, आपको डार्क चॉकलेट ही यूज़ करना है, मिल्क चॉकलेट नहीं चलेगा, और 3 टीस्पून क्रश्ड शुगर मैं ऐड कर दूँगी। उसके बाद ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के लिए 1 टीस्पून ऑफ मिल्क, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड करके रखूँ। गाइस, ये स्क्रब में है डार्क चॉकलेट, जिसमें है भर भर के एंटीऑक्सीडेंट, जो आपकी स्किन की पोर्स को अंदर से क्लीन करने में हेल्प करते हैं, आपकी स्किन की जो सारी टॉक्सिन्स गंध डर्ट इम्प्योरिटीज़ है उसको अंदर से क्लीन करने में हेल्प करता है। इसमें है शुगर, जिसमें है ग्लाइकोलिक एसिड, जो आपकी स्किन को अंदर से क्लीन करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। इसमें प्रेजेंट कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखते हैं और मिल्क आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करते हैं। और इसको लेकर आपको अच्छे से स्क्रब करना है, आपको हमेशा अपवर्ड मोशन में रब करना है, मसाज करना है आपकी नोज़ की अराउंड, आपकी चिन की अराउंड, आपकी फुल फेस में, और नेक को भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम जब किसी को देखते हैं फेस एंड नेक एक साथ देखते हैं तो दोनों का कलर अगर डिफरेंट होगा तो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। और ये स्क्रब आपकी फेस से सन टैन को रिमूव करने में बहुत ही हेल्प करता है। अगर आप फुल बॉडी में अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है क्योंकि मैं फुल बॉडी में इसको अप्लाई करूँगी। इसको आपको अच्छे से 3 मिनट्स तक स्क्रब करने के बाद रिमूव कर लेना है और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जंप करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम बनाएंगे फेस मसाजिंग क्रीम, जिसके लिए हम चाहिए एक बॉल में 1 टीस्पून ऑफ हनी एंड 1/2 टीस्पून ऑफ क्रश्ड डार्क चॉकलेट, और उसका अच्छे से मेल्ट होने देना है हनी के अंदर। तो ये मेल्ट हो चुका है एंड एज यू कैन सी बहुत ही बटर की तरह, बिल्कुल क्रीम की तरह ग्लाइड हो रहा है मेरे फेस पे, बहुत ही स्मूथ ये क्रीम है। और आपको इस तरीके से अपवर्ड मोशन में अपनी चिक्स के अराउंड मसाज करना है। गाइस, इसको आप एज अ स्लीपिंग मास्क भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी अंडर आई में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो आप उस जगह पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। और आपको चिक्स में हमेशा डाउनवर्ड मोशन में मसाज करना है, इस तरीके से एक एक चिक्स में आपको फोकस करके इस तरीके से मसाज करना है, ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए और आपकी स्किन में वो बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट दे। और फोरहेड पर मसाज करने के लिए आपको 2 फिंगर्स ऐसे बिठाना है फोरहेड पर, और उस तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अच्छे से मसाज करना है, 2 फिंगर की गैप के अंदर से ही फिंगर लेके आपको इस तरीके से मसाज करना है। उसके बाद आपको अपवर्ड मोशन में इस तरीके से मसाज करना है, उसके बाद डाउनवर्ड में जाना है।
उसके बाद आपको आपकी नेक को भी इस तरीके से मसाज करना है अपवर्ड मोशन में। इससे क्या होगा, मेरे नेक की जो फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, वो रिड्यूस हो जाते हैं और मेरे नेक की जो स्किन है वो अपलिफ्ट होते हैं। उसके बाद आपको जॉ की अराउंड ऐसे मसाज करना है अपवर्ड मोशन में, टू फिंगर्स को ऐसे रख के। इससे हमारे जॉ लाइंस जो है वो शार्प होते हैं, जॉ लाइंस की जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हो जाते हैं और मेरे टेंशन जो है, स्ट्रेस है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हैं। उसके बाद रिंग फिंगर की हेल्प से आपको आइस की अराउंड ऐसे मसाज करना है, हल्के हाथों से प्रेशर देके ही आपको मसाज करना है। मसाज करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होते हैं, हमारी स्किन जो है वो यूथफुल ग्लोइंग होता है। और आपको आपकी चिन की अराउंड इस तरीके से ऐसे मसाज करना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको मसाज करना है। और अब मैं इसको रिमूव कर लूँगी एंड रिमूव करने के साथ साथ यू कैन सी गाइस, मेरी जो स्किन है उसमें काफ़ी हद तक डिफरेंस नज़र आ रहा है। मेरे जो हैंड एंड फेस का कलर है वो डिफरेंट लग रहे हैं, आप देख सकते हो कितने हद तक ब्राइट ग्लोइंग हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं बनाऊँगी फेस मास्क, जिसके लिए हमें चाहिए एक बॉल में 1.5 टीस्पून ऑफ डार्क चॉकलेट और उसके अंदर मैं 2 टीस्पून मिल्क ऐड कर दूँगी और इसको साइड कर दूँगी ताकि ये जो डार्क चॉकलेट है मिल्क के अंदर अच्छे से पिघल जाए। जब ये दोनों वापस से मिक्स हो जाए उसको मैं अच्छे से मेरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और फेस मास्क को भी आपको हमेशा अपवर्ड मोशन पे अप्लाई करना है, कभी भी डाउनवर्ड पे नहीं करना है। इससे हमारी जो स्किन है वो लिफ्ट होते हैं, हमारी जो स्किन है वो यूथफुल ग्लोइंग दिखता है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स जो होता है फेस पे वो रिड्यूस हो जाते हैं। और ये जो चॉकलेट फेशियल है ना वो एक एंटी एजिंग फेशियल भी है, साथ ही साथ हमारी स्किन की जो टैन है, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी। और अगर आपकी स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये बहुत ही अच्छे से पिंपल्स में भी काम करते हैं गाइस। और इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, आपको आपकी नेक में भी अप्लाई करना है और आपको इसको रखना है 10 मिनट्स के लिए और 10 मिनट्स बाद आपको इसको रिमूव कर लेना है। और एज यू कैन सी गाइस, मेरी स्किन कितना ग्लोई, कितना डूई, कितना ब्राइट, कितना फेयर लग रहा है, कितना इवन टोन टाइट स्किन लग रहे हैं। और आपको भी सेम टू सेम ऐसा ही रिजल्ट मिलेंगे अगर आप सेम टू सेम वे में फॉलो करोगे ये फेशियल रूटीन। आपको कोई सा भी महंगे चॉकलेट फेशियल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पार्लर में जाके बहुत सारे पैसे वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के DIY ये चॉकलेट फेशियल ट्राई करके आपकी स्किन को फेयर, ब्राइट, ग्लोइंग, टाइट कर सकते हो। तो अब मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी, आपकी स्किन चाहे जितना भी ग्लोइंग लगे आपको तब भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है फेशियल की बात। तो मेरे जो स्किन की ग्लो है वो और भी दुगनी बढ़ गया है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और मैंने आपके पैसे थोड़ा सा बचाया भी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, इफेक्टिव लगे, तो ही ये वीडियो को लाइक करना और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और आपकी साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, तो मेरा ज़रूर साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो। और अगर आप पे ये फेशियल ट्राई किया है तो इसके रिजल्ट के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना, क्योंकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल जाता है इससे। सो गाइस, अब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून और माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।